she directed my few of my scenes, जिसमें she really helped me. She is very very hard working. जो मैंने एक बार commitment कर दी थी, मैं अपने something की भी नहीं सुनती. So हाँ, मैं ऐसी हूँ. हर किसी का सपना होता है, जो वही बनना चाहता है. मैंने बचपन से ही सपना देखा. मेरा ऐसा नहीं था कि बड़े होकर मुझे ये सपना एक कोई कीड़ा काटा और मैं हीरोइन बनने आ गई. नहीं, मैं पैदा ही शायद इसी चीज के लिए हुई थी. हाय, दिस अंकिता लोखंडे एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन बॉलीवुड हंगामा. प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन. Well, we have with us stunning Ankita Lokhande once again back on huge popular demand. Her last interview had been hugely appreciated. Pleasure having you back on Bollywood Hungama. Thank you so much, Faridoon. I'm happy to be here again. ये आपकी खुशी का राज क्या है? I think you've had like a good Diwali for that matter. Diwali and many other things. मैं रोज आजकल खुश रहना मैंने सोच लिया है कि I'm gonna be happy forever. वही सबसे अच्छी चीज है और वही आपके चेहरे पे glow लाता है. So I'm happy. Right, and अभी आपने I think you went for this dubbing, first dubbing of Manikarnika. मेरी लाइफ में बहुत बड़ा टर्न है ये कि मैं टेलीविजन से फिल्म की तरफ वापस आई. वापस क्या मतलब, फर्स्ट फिल्म है मेरी. सो आई एम रियली एक्साइटेड फरीदून, बिकॉज दिस इज समथिंग. ये मैं बचपन से एक सपना था कि मैं एक हीरोइन बनूँ और मैं यू नो फिल्म के पर्दे पे दिखूँ. हर किसी का सपना होता है, जो वही बनना चाहता है. मैंने बचपन से ही सपना देखा. मेरा ऐसा नहीं था कि बड़े होकर मुझे ये सपना एक कोई कीड़ा काटा और मैं हीरोइन बनने आ गई. नहीं, मैं पैदा ही शायद इसी चीज़ के लिए हुई थी. सो आई एम एक्चुअली लिविंग माई ड्रीम, यू नो. सो इट्स लाइक दैट. Alright, so how has Manikarnika been? Like you've had this privilege of being directed by a couple of directors in the film. Yes, it has been great. पहले हमारे मुझे जितना भी शूट किया है वो कृष्ण ने किया था. सो कृष के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है क्योंकि वो बहुत सीनियर डायरेक्टर हैं और मेरे लिए मेरी पहली फिल्म के डायरेक्टर कृष थे. तो उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे हेल्प किया हर चीज़ में, यू नो, मतलब एक्टिंग वाइज एंड एक्शन सीन्स होते थे. एंड ही रियली सपोर्टेड मी सो वेल टू गेट इन टू माई कैरेक्टर. तो कृष वॉज रियली गुड. एंड आफ्टर दैट कंगना केम. So she directed me. She directed my few of my scenes, जिसमें she really helped me. She is very very hardworking. And वो सिर्फ अपने में ही इतना hardworking नहीं, वो I think वो सारे scenes में इतना input दे रही थी. And she was doing her job like very nicely. So yeah, दोनों directors के साथ बहुत अच्छा मेरा combination रहा. Okay, so मैं आपसे एक मेरा in fact you know since I know you, so I thought that whenever I'll meet you, I'll ask you. That so Sonu Sood in fact he quit the film. Swati same well apparently quit the film as well. So but you're a loyal I think person, and it's a very important film for you, I'm sure. Yeah, it is. So what was it that made you just stick around? See, for me it's my debut film, and first of all Kamal Jain, who's the producer of the film, he has been like a family to me all the time, you know. From I know him from last 5 years. So वो मेरे लिए हमेशा एक फैमिली बनकर रहे हैं और उन्होंने मुझ पर बहुत ट्रस्ट किया था. सो मेरे लिए एक ऐसा था, ये मेरे घर का प्रोडक्शन था और मैं मेरा कैरेक्टर से लेके मेरी हर चीज़. एंड यू नो वो फिल्म करना मेरी डेब्यू फिल्म थी. एंड मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसे किसी भी फिल्म को या मैं किसी भी चीज़ को बीच में छोड़कर जा सकती हूँ. दैट्स नॉट मी. बिकॉज जब पवित्र भी बंद हुआ था, बंद होने पर था, तो यू नो आई डिडंट क्विट पवित्र रिश्ता. बिकॉज आई ऑलवेज वॉन्टेड टू, जो आप चीज़ ले लेते हो, आई एम वेरी, जो मैंने एक बार कमिटमेंट कर दी थी, मैं अपने समथिंग की भी नहीं सुनती. सो हाँ, मैं ऐसी हूँ. तो मैंने पवित्र अपना मणिकर्णिका में पूरी अपने इनपुट्स दिए हैं. एंड आई रियली होप कि सबको अच्छा लगे. और सबने बहुत हार्ड वर्क किया है, बट जहाँ तक जो लोग छोड़ कर गए उनके अपने रीजंस रहे होंगे. आई एम वेरी श्योर कि उनके अपने अपने रीजंस रहे होंगे छोड़ने के लिए. सो आई डोंट नो. ओके, ऑलराइट. सो नो, इट्स फाइन, इट्स एब्सोल्युटली फाइन. सी द फैक्ट इज दैट आई थिंक कंगना हैज दिस यूनिक डिस्टिंक्शन दैट देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु फाइंड हर एज एन इंस्पिरेशन विद इन द इंडस्ट्री. A lot of people who don't agree with the way she functions. She has become this symbol of, you know, strong women and yes, how women should stand for themselves. She inspires a lot of women. Stand for themselves, irrespective of the fact whether people agree with them or not. But she stands for what she believes in, and she continues. मुझे लगता है हर किसी को ऐसा होना चाहिए फरीदून. मैं ऐसी हूँ. मुझे लगता है कि मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं है और 10 लोगों को पसंद है, तो I won't go to you know जिनको पसंद है मैं उनका साइड लेकर ही चीज. मैं हमेशा अपना स्टैंड लेती आई हूँ अब तक. तो मुझे कहीं ना कहीं कंगना से इसीलिए ज़्यादा यू नो आई कुड रिलेट, बिकॉज वो अपना स्टैंड लेती है और जो उनको सही लगता है वो बोलती हैं. बट चाहे वो लोगों को कहीं बुरा लगता है या सही लगता है, बट मुझे यही नेचर शायद उनका बहुत पसंद आता है. और शायद मैं ऐसी हूँ इसीलिए वो मुझे मिली एज अ डायरेक्टर, एज अ को एक्टर. राइट राइट. आई थिंक इवन यू गाइस हैव बीन बॉन्डिंग ऑन द सेट्स एंड देयर हैव बीन पिक्चर्स एंड द विजुअल्स द वीडियोस दे हैव कम आउट.
I think the promo is stunning. I absolutely was just freaked out when I saw it. Thank you. And I think she's looking stunning as well. So how excited are you for the 25th January? I'm super excited for 25th of Jan. It's my debut film. I'm really looking forward for it. And abhi mera gana launch hone wala hai bahut jaldi. Oh, wow. So I'm dancing. It's my first dance number in Manikarnika. Right. So I'm super excited for that also. Because pehli film mein aapko sab kuch mil jana hai, itna aasan hi hota. And as an outsider, you know, I don't... I'm an outsider. So mere liye sab kuch itne acche se mujhe mil gaya. So I feel really lucky and blessed to have a team like Manikarnika with me, who, you know, who is supporting me so well. And mera gana, meri scenes, mere acting wise, you know, I've been appreciated a lot. So thank you to everyone. No, I think you're a terrific dancer. I've seen you perform at Masala Awards in Dubai. Yes. You're a stunning art dancer, and I think the way you prepare for it, rehearsal lag raha tha ki that performance one hai aapka. Hi, this is Ankita Lokhande and you're watching me on Bollywood Hungama. Please subscribe and hit the bell icon.